Hi, this is Rakesh Yadav. Today we will make lamb oozy. So lamb oozy have some special ingredients. Let's see the ingredients now. We have rice. हमने इसको हाफ एन आवर सोक किया हुआ है. हमने इसका जो लैम को कुक किया था उसकी जो वाटर बचा हुआ, स्टॉक बचा हुआ, वो ही हमने साइड में रखा है राइस बनाने के लिए. ग्रीन पीस फ्रोजन लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं. लैम कीमा, लैम फैट, ये अनियंस, बटर, आप घी भी यूज कर सकते हैं, वाइट पेपर, दिस इज ऑल स्पाइसेस, सॉल्ट, टमाटो पेस्ट, ऑयल, सिनेमन, ब्लैक पेपर, सिनेमन, बे लीव्स, कर्डमम, ऑल स्पाइसेस, दिस इज डिफरेंट ऑल स्पाइसेस, दिस इज नटमेग एंड क्रीम. नाउ फर्स्ट वी विल डू द मैरिनेशन ऑफ लैम्प. हमने पहले ही लैम्प को बॉईल करके रखा हुआ है, हमारा एकदम रेडी है लैम्प. अब इसे हमें मैरिनेट करके मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए. लेट्स सी. ओके, वी विल मैरिनेट लैम्प, कुक्ड लैम्प. तो इसमें थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, क्रीम, घी एंड मेल्टेड घी, थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट, थोड़ा सा ऑल स्पाइसेस, लिटिल नटमेग एंड ये थोड़ा सा गरम मसाला या होल स्पाइसेस आपके पास जो भी हो, सिनेमन पाउडर, ब्लैक पेपर, एंड दैट्स रेडी नाउ. तो हमने ये मैरिनेशन बना लिया है. अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, होल लैम्प को लाना है. इसमें हमारे होल लैम्प लाएंगे हम और इसमें ऐड करेंगे होल लैम्प. एकदम सॉफ्ट टेंडर लैम है. तो अब हम इसे रोस्ट करेंगे. और हमने इसमें ये मैरिनेशन कर देना अच्छी तरह. ये मेरा खुद का स्टाइल है, ऐसा नहीं है कि अरब में बहुत सिंपल खाते हैं लोग, कि इसमें ओनली हल्का सा बॉयल सॉल्ट एंड फिर हल्का सा रोस्ट कर देते हैं. बट मैंने तो थोड़ा सा मैरिनेशन लगा दिया तो इसका फ्लेवर ही अच्छा हो जाएगा. अब मैं इसको रोस्टिंग ट्रे के लिए मैं रेडी करूँगा. कुछ नहीं करना है, इट्स जस्ट बेसिक आपको ले लेने का है. लैम हमने रख दिया ये, और जो भी सॉस है इसका वो सब हम डाल देंगे इसमें. और जब तक हम हमारा ओवन को हीट कर लेंगे, और हमने इसमें अपना पूरा मैरिनेशन, हमारे पास थोड़ा सा लैम और है, और हम इसमें पूरा मैरिनेशन को रख लेंगे. ये सब इसके पीस हैं लैम छेंक के. तो आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे इसे, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में. ओए होए 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 होए, जब ये मज़ा आएगा, इसका फैट और सब कुछ एकदम ज़बरदस्त. तो जब तक हमारा ओवन रेडी होता है हम इसे, इसके बाद हम इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं और हम राइस का कुक करेंगे जब तक हमारा ओवन रेडी हो जाए. लेट्स कीप देयर. चलिए अब हम राइस कुक करेंगे. अब हमने घी और हमारा लैम्प फैट डाल दिया है. अब इसमें हम सिनेमन एंड बेलीफ डालेंगे. जैसे ही सिनेमन बेलीफ हल्का सा होता है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इसको, हल्का सा सौते और अनियन. आपके पास वाइट अनियंस हैं तो भी सही है, और आपके पास वाइट अनियन नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, कोई गोल्डन ब्राउन ये सब नहीं करना है. सिंपल आप तरीके से समझे इसे, कि आपको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है बस. आपको जैसे ही लड़के हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, ये हमारा अनियंस रेडी है. जैसे ही ये हो जाता है हमने हमारा इसमें लैम डाल देना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आपको ध्यान से देखना है, फिर ये नहीं बोलें कि हमने बताया नहीं. ओके, इसमें आपने छोटे, क्योंकि ये लैम का जो कीमा होता है
ये एकदम बाइंड कर जाता है, तो आपको हल्का सा ऐसे ब्रेक डाउन करते रहना है। जब आप कुक करते रहेंगे, आप एक दम कर दीजिए, थोड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसे दिखने, स्लो फ्लेम पे कुक होने दें। ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन कर देना कि इतने बड़े बड़े पीसेस ना हो जाए, क्योंकि कीमा एकदम बाइंड करने के बाद, तो आप ऐसे 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 कर दें। जैसे ही आपको लगे आपका कीमा रेडी है, आप मसाले कर दें, पर अभी टाइम है। कीमा को हमने थोड़ा सा कैरामलाइज टाइप में करना है, बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है, आप देख सकते हैं। ओए होए होए, और जो इसका जो फ्लेवर होगा, जो फैट जो है लैम का, और जो ये हमारा कीमा है, उसका अलग ही मज़ा आएगा। अब इसमें हम सॉल्ट थोड़ा सा, जो हमें हमारे इंग्रेडिएंट के हिसाब से, ऑल स्पाइसेस हमें एक साथ डाल देने, कुछ अलग से नहीं। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नटमेग, ऑल स्पाइसेस, सिनेमन पाउडर, ये देखिए। तो ये बेसिक, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान तरीके से हमें इसे बनाना है। देखिए, उजी राइस में जो टेस्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैम्ब में कोई खास टेस्ट नहीं होता है इसके, तो मेन राइस का टेस्ट है। हम इसे धीरे से कुक करते रहेंगे 2 मिनट, जब तक एकदम मसाले पक जाएं। और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है। अब जैसे ही हमारा ये हो जाएगा, तो अब हमारा पूरा चीज़ रेडी है। अब हम इसमें हमने जो स्टॉक बनाया था वो डाल देंगे, तो अब हम इसे फुल बॉयल में डाल देंगे। आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारे 1 लीटर राइस है, सॉरी 1 केजी राइस है, तो उसमें 2 लीटर हमारा पानी जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीके से एकदम बढ़िया बनेगा। ये थोड़ा सा मैं निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत होगी, इससे अच्छा आप एकदम देखिए रेडी है। अब हम इसमें देखिए बॉयल आ जाएगा, जैसे ही बॉयल आएगा एक, हम इसमें राइस डाल देंगे। और आपको राइस का कॉन्सेप्ट एकदम पता ही है कि एक बॉयल, जब तक 2-3 बॉयल आएंगे हमारा राइस रेडी हो जाना चाहिए। तो सिंपल तरीका मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, डबल पानी, राइस वन साइड, अब हमने राइस डाल दिया। राइस फर्स्ट बॉयल तक इसे फुल फ्लेम में कुक करना है। अब ज़्यादा आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितने भी राइस हैं निकाल दें और आप इसे इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका, और ये जो राइस बनेगा, ओ माय गॉड, सो टेस्टी, यू विल से वेरी नाइस। चलिए अब हम वेट करते हैं, लेट इट बॉइल। जब तक ये बॉइल होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आप अपना लैम्ब रोस्ट करने के लिए डाल सकते हैं, आपको फिर भी टाइम मिलेगा। देखो, लैम्ब में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने लैम्ब रेडी करके रखा है। लेट इट बॉइल, एक बॉयल आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, और हो वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और नॉर्मली आप देखेंगे इसे हम सर्व करते हैं, बहुत बेसिक, मतलब जब ये सर्व होता है तो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, योगर्ट में थोड़ा सा क्यूक्यूम्बर, जीरा, दैट्स इट। और इसके लिए हमें ड्राई नट्स बनाने हैं, वो हम अब आपको दिखाएंगे। ये एक बार कुकिंग होना स्टार्ट हो जाए, हम इसे छोड़ देंगे जब तक ये रेडी होगा। तो हमें ये ध्यान देना है इसका, तो हम इसमें थोड़ा सा किसी चीज़ से हमें कवर करना है इसे, तो मेक श्योर आप कोई बटर पेपर या कुछ इस टाइप का ले लें,
जो हमें आसानी हो, जैसे हमारे यहाँ से आसानी होगी कि हम इसे कुक करें, जब इजी तरीके से हम कर पाएंगे। एक बार इसका सॉल्ट टेस्ट कर ले कि आपके अकॉर्डिंग है नहीं है, क्योंकि सॉल्ट आपको पता है कि आप अपने हिसाब से करते हैं। देखिए अब ये बॉईल आ चुका है। अब इसको आपको ये ध्यान रखना है, 2 से हमें 3 मिनट ऐसे ही बॉईल में कुक करना है इसे, और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जिससे आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि राइस खिल जाएंगे और जब आप इसको जब निकालेंगे तो इट्स वेरी इजी टू टेक आउट और बहुत बड़े बड़े राइस होंगे, ये ध्यान देना है आपने। जस्ट मिक्स इट एंड सी, नाउ राइस ही देखो अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। एक बार ये हो जाए और उसके बाद आप देखें कितना जबरदस्त लगता है ये, क्या खाने में मजा आ जाएगा इसे। आह जो लैम की जो स्मेल है, आह हाँ बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं राइस बहुत बड़े बड़े हो गए। अब हमें राइस धीरे कर देना, मीडियम फ्लेम पे कर देने का। जैसे ही हम राइस मीडियम फ्लेम पे करेंगे, इसे 2 मिनट हम होने देंगे, 2 से 4 मिनट, इसका पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाए। आप ये सोच लीजिए 50% हम ऐसे कुक करेंगे और 50% हम इसे दम में कुक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना है इसका। जैसे ये थोड़ा सा ड्राई दिखने लगेगा, मतलब हमारा काम हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसे, जब अब ये बॉयल हो रहा है हल्का हल्का, यस दैट्स गुड। तो अब आप इसे अभी भी ढक सकते हैं, बट फिर भी सेफ साइड, कोई नया इसे बनाना चाहे तो ध्यान देना है कि आप इसे कोशिश करें जितना अच्छी तरह इसे कुक कर लें, तो इस पर आप स्लो फ्लेम पे। अब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है हमने। एक बार हम इसका जो पानी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, अब आप देख सकते हैं कि अब जो पानी है राइस आपको दिखने लग गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ये पता चलना चाहिए जो राइस है ये ऊपर दिखने लग गए प्रॉपर, मतलब हमारा ये रेडी है, रेडी टू कवर। अब हमने इसको ये देखिए बटर पेपर डाला और हम मैंने इसमें कवर कर दिया। दैट्स इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड अब हम इसे 15 टू 20 मिनट्स हमें इसे बंद करके रखना है। दैट्स इट। अब हम इसे साइड में लगा देते हैं, इतने हम अपना लैम्ब को कुक करेंगे इसके बाद, जब तक ये रेडी होता है लैम्ब और हम क्यूक्यूम्बर रायता बनाएंगे। अब हम इसे रोस्ट करेंगे और ये हमारा ओवन एकदम रेडी है, टेम्परेचर रीच कर गया, इसे हम रोस्ट करने के लिए ओवन में डाल देंगे। जब तक ये रोस्ट होता है 8 मिनट इसे हमें 200 डिग्री टेम्परेचर पे रोस्ट करना है, 0 0 H 58 0 H, तो 8 मिनट हमें इसे करना है और हम 8 मिनट बाद जब तक निकालेंगे हमारा राइस रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन पीस डाल देंगे और फिर हम कवर कर देंगे। ये देखिए बस कि हमने फिर कवर कर देना है इसे, और सही 1 मिनट के लिए हमें गैस जला देनी है कि हमारी जो भी गैस निकली होगी वो वापस, क्योंकि स्टीम से पकता है राइस, आपने देखा होगा। तो हमने जो भी राइस की स्टीम निकाली है वो हम वापस डाल लेंगे और इसे अब हम बंद कर देते हैं। एग्जैक्ट 10 मिनट जब तक हमारा वो कुक होगा हमारा ये रेडी है। दैट्स इट। हम ये डाल देंगे पाइन नट्स एंड आलमंड, इसे हम स्लो फ्लेम पे एकदम स्लो कर दिया, स्लो फ्लेम पे और ठंडे ऑयल में हमें इसे करना है। तो जैसे ही हमारा ये फ्राई हो जाता है, ये हमने पिस्ताचो एंड रेजिन डाल दिया, दैट्स इट। और इसे हमें निकाल लेना है एक बाउल में ऑयल स्ट्रेन करके। That's it. ये हम इससे गार्निश कर लेंगे। चलिए अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। उजी राइस रेडी है, अब हम इसे प्रेजेंट करेंगे। Let's make. ये हमारे पास उजी के लिए हमने एक प्लेटर लिया हुआ है, इसमें हमने राइस ये देखिए कितना यूनिक लगेगा इस
और आप इसे 100% इंजॉय करेंगे। अब देखिए पूरा प्लेटर रेडी हो चुका है, अब हम इसमें लैम्प लगाएंगे। Let's present lamb now. It's time to put lamb together. Now we will take out lamb roasted. See, it's so roasting. It's look so yummy. One second, I'll put somewhere in the pan. And pan need to be on top of this, otherwise this will burn everything. We'll take out from the tray and we will present on our plates. You will enjoy, sure. Let me remove. Now let's plate the food, beautiful food. Ooh, you 100% you will love this and we will enjoy. Now you need to put like this little bit, you need to put one more like, ooh, see it's ready now to present something. Remove this too. Now final will do. Some nuts in this. Oh my god, see, it looks so yummy. It's amazing. Now the final is the parsley. And now you can see the chef is rocking. This is so unique in taste. And now I will show you something. You will present to guests. Like this, I'm sure you will enjoy. Yeah, this is a lamb oozy and this is we need to keep this see, this is a beauty all this. It's amazing in taste wise. We'll try after. Thank you.